मेघालय बीजेपी के उपाध्यक्ष बनाट मराक के लिए मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं। जिस दिन गिरफ्तार किया गया था उसी दिन मेघालय बीजेपी के उपाध्यक्ष मराक को राज्य में वापस लाया गया था। तुरा के पास उनके फार्म हाउस से पर्याप्त मात्रा में विस्फोटक बरामद किया गया था। मेघालय पुलिस की एक टीम ने मराक के फार्म हाउस में एक सीक्रेट चैम्बर से बरामद किया था। यह बरामदगी तब की गई जब वेस्ट गलो हिल्स जिला बाल संरक्षण इकाई और मेघालय पुलिस की एक टीम मेघालय भाजपा नेता के रूम्पा बागान फार्म हाउस में बच्चों की किताबें और कपड़े लेने गई, जिन्हें पहले छापेमारी से बचाया गया था। आइए आपको बताते हैं क्या है पूरा मामला। नमस्कार, मैं ज्योति। पूरी जानकारी के लिए वीडियो तक जरूर देखें। दोस्तों, बीजेपी सरकार में क्या क्या हो रहा है आप उसे देखकर खुद हैरान हो जाएंगे। अब तो बीजेपी के ही लोग सेक्स रैकेट चला रहे हैं। मेघालय पुलिस को सेक्स रैकेट चलाने के आरोप में गिरफ्तार भारतीय जनता पार्टी के उपाध्यक्ष बनार्ड एन मराक के फार्म हाउस से विस्फोटक सामग्री एवं पारंपरिक शस्त्र मिले हैं। एक अधिकारी ने यह जानकारी दी है। अधिकारी ने कहा है कि आज दिन में उत्तर प्रदेश के हापुड़ से पश्चिम गारो हिल्स लाया गया मराक के खिलाफ दर्ज मूल प्राथमिकी में विस्फोट पदार्थ अधिनियम और यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम की धाराएं जोड़ी गई हैं। मराक को हापुड़ से गिरफ्तार किया गया था। पूर्व उग्रवादी नेता मराक 22 जुलाई की रात को लेकर सुबह कतुरा के स्थित फार्म हाउस में चलकर पुलिस छापेमारी के बाद लापता हो गया था। पुलिस ने कहा था कि उनके वहां से 73 लोगों को गिरफ्तार किया और 4 लड़के व 2 लड़कियां समेत 6 नाबालिगों को मुक्त कराया। पश्चिम गारो पर्वतीय जिले के पुलिस प्रमुख विवेकानंद सिंह ने बताया, फार्म हाउस में जिलेटिन की कुल 35 छड़े, 100 डेटोनेटर, 4 कमान और 15 तीर जब्त किए गए हैं। उन्होंने कहा कि विस्फोटक और हथियार उस समय बरामद किए गए जब जिला बाल संरक्षण इकाई और पुलिस की एक टीम मुक्त कराए गए बच्चों द्वारा छोड़े गए कपड़े और किताबें लेने के लिए वहां गई थी। इसके बाद भाजपा नेता के खिलाफ विस्फोटक पदार्थ अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया है। सिंह ने कहा कि मुक्त कराए गए 6 नाबालिगों में से एक की चिकित्सक जांच के से उसके यौन उत्पीड़न की पुष्टि होने के बाद भाजपा नेता के खिलाफ यौन अपराधों से बच्चों को संरक्षण अधिनियम के तहत का मामला दर्ज कराया गया है। न्यूज 24 ने इस खबर को ट्वीट करते हुए लिखा, मेघालय वैश्यालय चलाने के आरोप में गिरफ्तार बीजेपी उपाध्यक्ष मराक के फार्म हाउस से विस्फोटक बरामद, 35 जिलेटिन की छड़े, 4 क्रॉस धनुष और 15 तीर बरामद किए गए हैं। दोस्तों, एक से एक बड़े कारनामे इनके नेताओं के पास देश की पूरी तरह से खोखला करना चाहते हैं, देश को बर्बाद करना चाहते हैं। वैसे भी देश लगभग 80% बर्बाद हो चुका है। 7 साल से आर्थिक रूप से, रोजगार के रूप में, शिक्षा के रूप, विकास और भ्रष्टाचार के रूप में देश निम्न स्तर पर आ चुका है, वो भी सिर्फ और सिर्फ बीजेपी सरकार के नेता और बीजेपी सरकार के भ्रष्ट लोगों की वजह से आज देश का ये हाल हो गया है। बहरहाल दोस्तों, इस खबर पर आपकी क्या राय है हमें कॉमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करना ना भूलें। फिर मुलाकात होगी आपसे किसी ऐसी ही खबर को लेकर। तब तक के लिए नमस्कार।